आप मेरे हाथ देखिए, और ये जो सफलता मिली है ना, आसानी से नहीं मिली है, बहुत मुश्किल प्रयास करना पड़ा। मैंने, मेरी पत्नी, दोनों जनों ने काम किया है, और फिर हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे पाए। आज अपना पक्का मकान है, गाड़ियां हैं, खुद का ट्रैक्टर है, इतनी मशीनें हैं। लगभग 12 से 15 लाख रुपए ईयरली हमारे को इस पे मुनाफा हो रहा है। जितने पे हम पहले करते थे उतने पे ही आज कर रहे हैं। आज अगर किसान को सफल होना है तो किसान को हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। खेती को इस तरह से अडॉप्ट किया कि पूरी तरह से मशीनीकरण किया। साथ अपने राज्यों में अवार्ड मिले, 2 नेशनल अवार्ड भी मिले, 9-10 अवार्ड मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। हिमाचल प्रदेश का जो भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ी जीवन है, तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ से खेती करना। शहर दूर है, पहुँचना मुश्किल है, सड़कें नहीं थी उन दिनों। सभी किसान जितने भी हैं हमारे प्रदेश में, सभी का जीवन मुश्किल है जो पहाड़ी राज्यों में रह रहे हैं। जंगली जानवरों से मुश्किल है वहाँ फसलों को बचाना, और साथ में प्राकृतिक आपदा जैसे 2023 में आई हिमाचल में कि पूरी की पूरी किसानों की फसलें तबाह हो गई, तो उस तरह से संघर्ष बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मेरे जैसे किसान, छोटा किसान ने अपना संघर्ष जारी रखा। ये दर्द सिर्फ भोपाल सिंह का नहीं है, ये हर पहाड़ी किसान का दर्द है। छोटे छोटे ऊबड़ खाबड़ खेत और दुर्गम रास्ते पर बसे गांव में खेती तो दूर, जीवन भी मुश्किलों भरा है। भोपाल सिंह हिमाचल प्रदेश में शिमला से करीब 45 किलोमीटर दूर सुन्नी तहसील के देयंगल गांव में रहते हैं। शहर से पहाड़ियों के नीचे बसे उनके गांव तक पहुंचने में घंटों लगते हैं। भोपाल सिंह के मुताबिक साल 2016 से पहले तक उनकी भी खेती मुश्किलों से भरी थी। पिछले लगभग 40 साल से मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन 2015 तक हमारी खेती जो बहुत पुराने तरीके की थी, जिसमें मेहनत ज़्यादा थी, मशक्क़त ज़्यादा थी, लेकिन मुनाफा बहुत कम होता था। तो मैंने 2016 में दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में जैन सिंचाई प्रणाली को देखा, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और फिर मैंने बागवानी विभाग हिमाचल प्रदेश की मदद से वो अपने खेतों में जैसे चल रही है यहाँ पे, तो ये लगवाई। भोपाल सिंह अपनी 7-8 बीघा जमीन पर सब्जियां उगाते हैं। इस जमीन से उन्हें बेहद कम कमाई होती थी, लेकिन आज वो लाखों रुपए कमाते हैं। 2015 से पहले की खेती थी वो पुराने तरीके की थी। सब्जियों की जहाँ तक बात की जाए तो लगभग यही नहीं तरह की सब्जियों थी, उसमें तो ज़्यादा हमने बदलाव भी नहीं किया। लेकिन जो हमारा तकनीक थी, तरीका था, वो आज बहुत हाईटेक है, और इस करके जो जहाँ पहले हमें बहुत कम मुनाफा होता था, आज हमारा उससे भी 5 से 7 गुना ज़्यादा मुनाफा होता है हमारे को। अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए भोपाल सिंह ने खेती में कई प्रयोग किए हैं। अब वो निराई से लेकर जुताई और रोपाई से लेकर सिंचाई तक सारे काम मशीनों से करते हैं। पावर टिलर है मेरे पास, जो खेत जुताई और ट्रैक्टर से करता हूँ। बीज बुआई, सीड ट्रांसप्लांटर है मेरे पास जो सीड को ट्रांसप्लांट करता है, और ये लगी हुई फसल इसी मशीन की है। और पौधों की रोपाई के लिए ये नर्सरी ट्रांसप्लांटर है, स्प्रे के लिए पावर स्प्रेयर है, ग्रास कटर है अपना, वो लकड़ी काटने के लिए चेन सॉ है, और साथ में जो इस पे गुड़ाई करते हैं हम, उसके लिए भी अलग से मशीन है, और मिट्टी चढ़ाने के लिए भी पावर टिलर की मदद से इसमें मिट्टी चढ़ा रहे हैं हम। सिंचाई तो हम इससे जो हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन है, जैन सिंचाई प्रणाली, इसके साथ सिंचाई कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवर किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं, इससे निपटने के लिए भी भोपाल सिंह ने मशीन का सहारा लिया है। पहाड़ी राज्यों में जंगली जानवरों की वजह से बहुत सारे किसान प्रभावित है, जिसमें मैं भी हूँ प्रभावित है। जंगली जानवर बहुत नुकसान करते थे। जो हमारे प्रदेश में सरकार ने वो सोलर फेंसिंग है जो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के नाम से मिलती थी, उसको छोटा किसान नहीं लगा पा रहा था क्योंकि वो बहुत महंगी है। तो इसको देख कर मैंने अपने खेतों में इसमें सोलर डिटरेंट लगाया, और जिससे कि मुझे 100% सफलता मिली। और आप देखो मेरा तो सारा जंगल के साथ ही है, और यहाँ फसलें आप देखो पूरी तरह से प्रोटेक्ट है, अब कोई जंगली जानवर भी नहीं आता। खेती से कमाई कैसे की जाए, इसके लिए वो अपने खेत में लगी फ्रेंच बीन की फसल का उदाहरण देते हैं।
अभी 2 बीघे में और फ्रेंच बीन लगाई है, तो इसका जो हमारा बीज खर्च है वो लगभग 3,000 रुपये है। जैसे कि हमने ये 15 मार्च के बाद लगाई, तो लगभग 2 महीने में इसकी हार्वेस्टिंग आ जाती है। तो 2 महीने की मेहनत के बाद आज हमारे को 90 रुपये प्रति किलो या बिक रही मार्केट में, और रोज के हम 1.5 क्विंटल इससे हार्वेस्टिंग कर पा रहे हैं, जो खुद ही कर रहे हैं हम लोग। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से सभी किसानों को अडॉप्ट करना चाहिए कि कम लागत वाली फसलें उगाएं और अधिक पैसा कमाएं, और 2 बीघे में अगर हम 3,000 रुपये लगा के लगभग 2 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। सूक्ष्म सिंचाई अपनाने से सिर्फ उनकी खेती नहीं बदली है, जिंदगी में भी बदलाव आया है। भोपाल सिंह से कंधा मिलाकर खेती करने वाली उनकी पत्नी सुशीला ठाकुर बहुत खुश हैं। यहाँ पे बहुत लंबे लंबे सांप होते थे, मैं तो डर के मारे, मैं तो मेरे को आना मुश्किल हो जाता था। कभी मेरे हस्बैंड बाहर चले जाए तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी आफत हो जाती थी, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ स्नेक से। यहाँ वो थे बड़े बड़े लंबे लंबे। जब 2016 में हमारे ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लगी तो मुझे तो बहुत राहत मिली है, बहुत ही सुखदायी मिला है हमारे को, क्योंकि एक बटन दबाओ और सारा खेत सिंचाई करो, ये इसका सुख बड़ा हुआ। इससे हमारी जो खाद की जो होती है प्रोडक्शन, वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई, क्योंकि जो हमारी खाद वगैरह उस खेत में समतल इसमें रही है, नहीं तो पहले तो भाग के चली जाती थी दूसरी साइड को। इससे तो ऐसे जैसे भी लगता वो खाद वैसे की वैसे रहती है पौधे के पास जैसा वो, तो इस तरह से हमारे को प्रोडक्शन बहुत हुई है। हमारे लिए तो अब वो अपना शरीर भी बचा और अपनी जो हम मजूरदार करने पड़ते थे वो पैसे भी बचे हमारे लिए। अब ये नया नया काम हमारे लिए, मैं तो ये चाहूँगी कि हमारे लिए जो भी नई नई तकनीकी और भी देखेंगे हम तो उसमें भी और आगे भाग लेंगे। भोपाल सिंह गरीबी और मुश्किलों के चलते खुद तो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन अपने बच्चों के उन्होंने हर सपने को पूरा किया। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद शहर में नौकरी कर रहा उनका बेटा गांव लौटा और खेती में भी सहयोग कर रहा है। मैं खुद नहीं पढ़ पाया तो मैंने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी है। तो वो भी एक बेटी मेरी MSc है, एक PhD कर रही है, एक MSc की लेक्चरर है, एक बेटा टूरिज्म में जॉब करता था तो अब आ गया खेती का मेरे साथ करने। 7-8 साल नौकरी करने के बाद मैंने ये देखा कि मतलब जहां हम प्राइवेट में 15-15 घंटे का काम करते हैं, तो अगर हम अपने ही खेतों में अगर ईमानदारी से मतलब 8-9 घंटे भी करते हैं तो उसमें भी हमारा बेनिफिट अच्छा है। मतलब उसमें हमारे पास ऐसा है कि आउटपुट बढ़िया है, रिजल्ट अच्छे हैं जब हमारे पास इतनी अच्छी मशीनें हैं। और पिताजी के साथ तो काफ़ी सारा अनुभव प्राप्त हुआ इस कार्यक्षेत्र में, तो अच्छा लगता है जब हम इस अपने खेतों में काम करते हैं, मतलब नौकरी से काफी ज्यादा अच्छा लगता है। भोपाल सिंह कहते हैं उनकी खेती और तकनीक को देखकर आसपास के बहुत से किसान उन्नत खेती करने लगे हैं। जब से जैन सिंचाई प्रणाली लगाई, एक तरह से मेरे जीवन में एक क्रांति आई है, जिसके बदौलत मुझे फसलों में अधिक उत्पादन, अधिक अच्छी गुणवत्ता और मुनाफा भी आना बहुत अच्छा शुरू हुआ है। और साथ में 70% जो पानी की बचत हुई है वो उससे, जैसे मैं पहले एक किसान जितने पानी को इस्तेमाल करता था उससे 25 से 30 लोगों की खेती को आज सिंचित किया जा रहा है। 300 किसानों से भी ज़्यादा किसानों ने ये जैन सिंचाई प्रणाली हमारे को देख के उन्होंने लगाई। उन्नत खेती और नवाचार के दम पर पहाड़ की इन मुश्किलों भरे रास्तों से गुजर कर भोपाल सिंह दिल्ली तक का सफर भी तय कर चुके हैं। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कई अवार्ड और पुरस्कार मिले हैं। जैसे हमारी खेती पुराने तरीके की थी तो मैं बहुत मुश्किल से दौर से भी गुजरा हूँ, कि कई बार मेरे पास अपने और अपनी पत्नी को कपड़े जूते तक के पैसे नहीं थे, पुराना मकान था और खेती भी कोई इतना मुनाफेदार नहीं थी। लेकिन जब से ये शुरू किया तो सिंचाई योजना अच्छी हो, अच्छी मशीनीकरण हो, अच्छी तकनीक पे हम काम करें, तो अब तो हमारे पास अच्छा है, अपना पक्का मकान है, गाड़ियां हैं और खेती की इतनी मशीनें हैं, खुद का अपना ट्रैक्टर खड़ा है। और मैं अन्य किसानों को भी यही कहूँगा कि आज अच्छी तकनीक से काम करें। तो जैसे मैं यहाँ एक दुर्गम क्षेत्र में जहाँ ट्रैक्टर पहुँचाना बहुत मुश्किल है और
हमारा प्रदेश में इस तरह की भौगोलिक स्थिति है कि ट्रैक्टर खेतों तक नहीं पहुंचा सकते थे, वहां मैंने इस तरह का प्रयास किया। और मैं एक अन्य किसानों को भी यही बोलना चाहता हूं कि इससे ही मैकेनाइजेशन से ही हमारा जो लागत आने वाली है फसलों में उसको घटाया जा सकता है, और जहां लागत घट गई निश्चित तौर पर किसानों की आमदनी डेफिनेटली बढ़ेगी। तकनीक से तरक्की में देश के कोने कोने से उन खास किसानों की कहानियां हैं जिन्होंने खेती में कुछ नया किया है। वो किसान जो तकनीक के साथ खेती करके मुनाफे की फसल काट रहे हैं। खेती किसानी की रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली।